आ गई वो अधिसूचना जिसका था इंतजार। हिमाचल सरकार ने जारी की एरियर की अधिसूचना। इसी महीने मिलेगी पेंशन और पारिवारिक पेंशन बकाया राशि की अतिरिक्त किस्त, आदेश हुए जारी। सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की अतिरिक्त किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश वित्त विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है। हिमाचल सरकार ने काफी लंबे समय से पेंशनर्स की पारिवारिक पेंशन और बकाया राशि की अतिरिक्त किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश वित्त विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये किस्त वर्ष 2016 से पहले और 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसी महीने जारी की जाएगी। वहीं जिन पेंशनरों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की मृत्यु हो गई है और उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद हो गई है, ऐसे मामलों में पेंशन, पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण जीवन भर का पूरा बकाया नामित व्यक्ति को इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं किसी भी स्थिति में यदि पेंशन की शेष बकाया राशि 5,000 रुपए से कम है तो इस राशि का अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन की कोई भी अतिरिक्त राशि यदि वसूली योग्य है तो उन्हें भुगतान की जा रही बकाया राशि से समायोजित किया जाएगा और केवल शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यह सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि मार्च 2024 के महीने में पेंशनरों को इसका हर तरह से भुगतान किया जाए। यहाँ पर अधिसूचना में कहा गया है कि जो पेंशनर 75 साल या इससे ऊपर है उनके परिवार को या उनको 35% एरियर मार्च में दिया जाए। इसके अलावा जो रिटायर्ड पेंशनर्स 70 साल से ऊपर हैं और 75 साल से नीचे उनको 20% एरियर देने की बात कही गई है। इसके अलावा 65 साल से ऊपर सभी पेंशनर्स को 18% एरियर मार्च के महीने में दिए जाने की अधिसूचना में बात कही गई है और जो पेंशनर 65 साल से कम है उन्हें 15% एरियर मार्च महीने में दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना हिमाचल सरकार ने जारी कर दी है और इन सभी पेंशनर्स को मार्च 2024 में ये लाभ मिल जाएगा। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बहुत लंबे समय से 2016 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी और 2016 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद इन पेंशनर्स को हिमाचल सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। ये पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। इसके बाद मार्च में सभी पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हो जाएगा।